हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग ऑफ वॉइस कंपास सर्विसेज। मैं तपेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि आज नैनीताल हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है केदारनाथ जी यात्रा को लेके और साथ ही साथ चारधाम यात्रा को लेके। तो हम बात करेंगे कि क्या क्या गाइडलाइंस रखी गई है, क्या क्या परमिशंस मिली है यात्रा को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो साथियों वीडियो शुरू करने से पहले क्यों ना एक बार बाबा श्री केदारनाथ जी का जयकारा लगा दिया जाए। बोलो जय श्री केदारनाथ जी महादेव की जय हो। साथियों नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा जो आज रोक हटाई गई है चार धाम यात्रा को लेके, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हम केदारनाथ धाम के साथ साथ चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, इन चारों धाम के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, राज्य सरकार की, जिन्होंने ई पास के द्वारा पिछले साल अगस्त माह में एक महीने तक ई पास के थ्रू ही दर्शन होते थे, तो उसी में साथियों अब प्रतिदिन सिर्फ 800 रजिस्ट्रेशन होंगे केदारनाथ जी के लिए, 1200 रजिस्ट्रेशन होंगे बद्रीनाथ जी के लिए, 600 रजिस्ट्रेशन होंगे यमुनोत्री के लिए और 400 रजिस्ट्रेशन होंगे गंगोत्री धाम के लिए। तो एक बात से तो हमें छुटकारा मिल ही गया कि हम चार धाम यात्रा कर सकते हैं, साथ ही साथ बाबा श्री केदारनाथ जी के भी दर्शन कर सकते हैं। तो साथियों जैसे ही उत्तराखंड सरकार, राज्य सरकार के द्वारा नई गाइडलाइन इश्यू होती है, उसी के आधार पे हम वॉइस कंपास सर्विसेज कंपनी के द्वारा जो भी केदारनाथ यात्रा ग्रुप टूर की डेट्स रहेगी वो डिसाइड करेंगे। साथियों जल्द ही जल्द आपको ये खुशखबरी मिलने वाली है कि केदारनाथ जी यात्रा के लिए जो ग्रुप टूर की डेट्स रहेगी वो क्या रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि केदारनाथ जी के हर भक्त के पास, साथ ही साथ जो भी चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं इस साल, उन सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो इसे साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ साथियों चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना जो भी चैनल पर नए हैं, क्योंकि जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें केदारनाथ जी यात्रा की जो भी ग्रुप टूर की डेट्स रहेगी वो बताई जाएगी। चलिए साथियों इसी के साथ हर हर महादेव।